good morning class how are you i hope that you all are fine and doing good at your home so welcome back to your computer class so in today's class we will start our chapter number 9 that is let's code in scratch second it is given on page number 138 so let's start so basically in previous video we have discussed that what is scratch what are the different components of ज इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट ब्लॉग्स ब्लॉग्स हमारे पजल पजल टाइप होते हैं जिसमें छोटे छोटे पीसीज होते हैं एंड वी हैव टू जॉइन दोज ब्लॉग्स टू फॉर्म एन इमेज और वीडियो और एनी थिंग सो इस चैप्टर में हम ब्लॉग से ब्लॉक शेप्स ब्लॉक पैलेट इन सब के बारे में पढ़ेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद ब्लॉक शेप्स सो देर आर सिक्स डिफरेंट ब्लॉक शेप्स ब्लॉक कौन से शेप्स के होते हैं मेनली सिक्स शेप्स के होते हैं हैट स्टैक बुलियन रिपोर्टर सी एंड कैप सो अब हम इन्हें वन बाय वन पढ़ेंगे फर्स्ट इज हैट ब्लॉक सो हैट ब्लॉक जैसा आप देख सकते हो इनकी जो शेप होती है ना उनका टॉप कैसा होता है राउंडेड होता है और इनके नीचे एक बम्प होता है सो हैट ब्लॉक्स की पहचान यही होती है कि वो टॉप से राउंडेड होता है और बॉटम में उसके पास एक बम्प होता है और स्क्रैच प्रोग्राम में टोटल इलेवन हैट ब्लॉक्स होती हैं नेक्स्ट इज स्टैक ब्लॉक्स स्टैक्स ब्लॉक्स में आप देख सकते हैं स्टैक ब्लॉक्स परफॉर्म द मेन कमांड जितने भी मेन कमांड्स होते हैं वो स्टैक ब्लॉक्स परफॉर्म करते हैं और इनकी शेप कैसी होती है इनके अपर साइड पे टॉप साइड पे ऐसे नॉच होते हैं और बॉटम पे ऐसे बम्प होते हैं तो हम इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड पे और ब्लॉक्स को ऐड कर सकते हैं और हमारे स्क्रैच प्रोग्राम में टोटल सेवेंटी ए सेवेंटी सेवन स्टैक ब्लॉक्स हैं नेक्स्ट इज बुलियन ब्लॉक्स। बोलियन ब्लॉक्स में टू ऑप्शन गिवन होते हैं जैसे यहाँ पे टचिंग और माउस पॉइंटर है ऐसे जैसे आपके फॉल्स होते हैं तो इन ब्लॉक्स में आपके चॉइसेस वाले पॉइंट्स आ जाते हैं जैसे एग्जाम्पल गिवन है इस थ्री माइनस थ्री जीरो तो आपको ये बताना है इज इट ट्रू और फॉल्स तो ये ब्लॉक्स ऐसे होंगे जिनमें दो ऑप्शन गिवन होंगे और देर आर थर्टीन बुलियन ब्लॉक्स नेक्स्ट इज़ रिपोर्टर ब्लॉक्स रिपोर्टर ब्लॉक्स वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा वन टू थ्री तो ये कुछ वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है ये इनके जो एजेस होते हैं वो राउंडेड होते हैं और हमारे पास थर्टी सेवन रिपोर्टर ब्लॉक्स होते हैं नेक्स्ट इज सी ब्लॉक सी ब्लॉक्स में आप देख सकते हो ये एक सी बन रहा है राइट right? सो so ये ये जो ब्लॉक्स हैं ये कौन से शेप में होते हैं सी की शेप में होते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि दो सी हो जैसे यहाँ पे एक बड़ा सी ये रहा एक छोटा सी ये रहा और ये भी एक छोटा सी है तो जो ब्लॉक सी शेप बनाते हैं दैट आर नोन एज सी ब्लॉक्स एंड द लास्ट इज कैप ब्लॉक्स कैप ब्लॉक्स क्या होते हैं कैप ब्लॉक्स वो होते हैं जहाँ से हमारी जो स्क्रिप्ट है वो खत्म होती है हमने स्टार्ट किया था हैट ब्लॉक हैट ब्लॉक जहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है वहां पे हम हैट ब्लॉक यूज करते हैं पर जहां पे हमें अपना प्रोजेक्ट खत्म करना है तो वहां पे हम कैप ब्लॉक का यूज करेंगे और इसका जो बॉटम होता है वो फ्लैट होता है और जो इनका टॉप होता है यहाँ पे एक नॉच होता है यानी हम इसके ऊपर ही अटैच कर सकते हैं नीचे नहीं नीचे क्यों नहीं क्योंकि ये लास्ट ब्लॉक होता है सो दीज सिक्स आर द डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक शेप्स हैट स्टैक बुलियन रिपोर्टर सी एंड कैप नाउ वी विल स्टडी अबाउट ब्लॉक्स पैलेट जब हमारे पास ये बहुत सारे ब्लॉक्स आ जाते हैं दैट इज नोन एज ब्लॉक्स पैलेट इसमें वेरियस ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें हम मूव कर, कर सकते हैं रोटेट कर सकते हैं प्ले कर सकते हैं उनमें साउंड ऐड कर सकते हैं सो ये जो डिफरेंट ब्लॉक पैलेट्स हैं या फिर जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं ये कुछ इनकी कुछ कैटेगरीज होती हैं वो कैटेगरीज हैं मोशन लुक्स साउंड इवेंट्स कंट्रोल सेंसिंग ऑपरेटर्स वेरिएबल्स एंड माई ब्लॉक्स अब वन बाय वन हम इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं सो है यू कैन सी स्टेबल मोशन इसके नाम से पता चल रहा है कि हम ब्लॉक्स को मूव कर सकते हैं अप डाउन राइट लेफ्ट किसी भी पोजिशन में हम उसे मूव कर सकते हैं सेकेंड इज लुक्स कि हमारा जो ब्लॉक है वो कैसा दिख रहा है हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम अगर हम चाहते हैं हम उस ब्लॉक को हाइड कर सकते हैं शो कर सकते हैं या फिर स्विच कर सकते हैं इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस थर्ड इज साउंड If you want to add any sound in our game or any project, we can also add a sound. Events. इट इंक्लूड्स बलॉक्स टू सेंस इवेंट्स और टू ट्रिगर एन इवेंट बेस्ड ऑन एक्शन अब इवेंट्स अगर हमें कोई एक्शन कराना है अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्प्राइट दस स्टेप्स मूव करे तो ऐसे हम इवेंट्स करा सकते हैं नेक्स्ट इज कंट्रोल अब जैसा जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसका सारा कंट्रोल हमारे ऊपर है जैसे हम हम चाहते हैं हम अपने डिजायर्स के अकॉर्डिंग उसे लाइक like, ऑपरेट कर सकते हैं हमें उन्हें स्टॉप करना है पॉज करना है मोशन में लाना है सेम स्टेप को सेम स्प्राइट को दोबारा यूज करना है इट्स ऑल अपॉन अस नेक्स्ट इज सेंसिंग सेंसिंग मीन्स कि अगर दो स्प्राइट एक साथ हैं वो टच हो रहे हैं या फिर जो भी है सो so ऐसे हम सेंसिंग वाली कैटेगरी भी स्क्रैच प्रोग्राम में अवेलेबल होती है दिस ब्लॉक मेक्स द प्रोग्राम रिस्पोंडर और जब ये जस्ट एक एग्जांपल अगर दो स्प्राइट है और वो दोनों टच में आ रहे हैं तो प्रोग्राम को खुद पता चल जाएगा वो सेंस कर लेगा और वो खुद रिस्पॉन्ड करेगा तो इसके लिए हम उसमें टाइमिंग्स भी लगा सकते हैं नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स में हम आरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन सब्सट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग ऐसी ऐसे टास्क भी ऐसे इवेंट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं नेक्स्ट इज वेरिएबल्स हम इसमें और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं हम खुद क्रिएट कर सकते हैं कुछ सेट कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं शो कर सकते हैं हाइड कर सकते हैं एंड लास्ट इज माय ब्लॉग्स कि हम अपने खुद के ब्लॉग्स भी वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं सो दीज आर द डिफरेंट ब्लॉग कैटेगरीज और उनके फंक्शंस नेक्स्ट वर्किंग विद मोशन ब्लॉक्स अब हम इन ब्लॉक्स के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे कि हम वर्क कैसे कर सकते हैं तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन ब्लॉक्स मोशन की हम मूव कर सकते हैं स्प्राइट को बट स्प्राइट को हम मूव कैसे कर सकते हो तो उसके लिए भी हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं सो दीज आर द मोशन ब्लॉक्स हाँ अब इन मोशन ब्लॉक्स में भी एक ब्लॉक का काम तो कोई एक ही होगा कोई एक ब्लॉक का फंक्शन एक ही होगा तो ऐसे ही ये जो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं इन सब के अलग अलग फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे सो दिस इज 15 डिग्री टर्न 15 डिग्री इससे क्या होगा 15 डिग्री स्प्राइट टर्न हो जाएगा और किस साइड एरो किस साइड है इस साइड तो अगर ब्लॉक ऐसा है तो वो थोड़ी इस साइड टर्न हो जाएगा अगर हमने ये क्लिक किया और स्प्राइट ऐसा है तो वो ऐसे टर्न हो जाएगा तो ऐसे जो भी इनमें सिंबल्स हैं, ऐसे ही वो स्प्राइट उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा Next is point in, direction 90, 90 डिग्री के एंगल पे पॉइंट हो जाएगा चाहे वो राइट right साइड पे हो लेफ्ट पे हो अप पे हो डाउन पे हो वो डिपेंड करता है नेक्स्ट ये जो हमने पढ़ा था लास्ट पेज पे बुलियन ब्लॉक ये यही है इस पर हमारे पास दो ऑप्शन है पॉइंट वर्ड्स और माउस पॉइंटर हम जो भी चाहें इसमें से चूज कर सकते हैं अब ये है गो टू एक्स एंड वाई और यहाँ पे आप कुछ वैल्यूज देख रहे हैं तो ये जो हमारा स्टेज एरिया होता है ना उसमें ऐसी दो लाइन्स होती हैं ये जो हॉरिजोंटल लाइन होती है दिस इज़ एक्स एंड दिस वर्टिकल लाइन इज़ वाई सो यहाँ पर ये जीरो पॉइंट होता है यहाँ से वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर तो इसमें एक्स की वैल्यू ट्वेल्व है तो एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ कहीं पर होगी वाई की वैल्यू यहाँ कहीं माइनस सेवन होगी सो so, हम ऐसे इनकी वैल्यूज़ अगर कोई स्प्राइट है मुझे इतनी बड़ी इमेज चाहिए तो मैं यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू सेट कर दूँगी तो ऐसे आप वैल्यू सेट कर सकते हो नेक्स्ट इज़ गो टू माउस पॉइंटर कि अगर आप माउ इस पर क्लिक करेंगे तो जो माउस पॉइंटर है आपका आप वहाँ पे जा सकते हैं इफ ऑन एच बाउंस अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को बाउंस करना है तो हम इसका यूज करेंगे सो so ये ऐसे हम मोशन करा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मोशन सो इन टूडे इज क्लास वी हैव स्टडीज की ब्लॉक के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स कौन से होते हैं देर आर सिक्स डिफरेंट शेप्स एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट ब्लॉक पैलेट्स ब्लॉक पैलेट्स में बी वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऐसे हम अपने प्रोजेक्ट को फ़न और इंटरेक्टिव बना सकते हैं और इसमें भी हमने मोशन ब्लॉक्स की कैसे हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं और उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन गिवन है सो दैट्स इट फॉर टूडे आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड थैंक यू